यार एक प्रॉब्लम है जो कि हर एक बच्चे फेस करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करते हैं, वो ये है कि 2 घंटे के लेक्चर को 2x स्पीड पे देखने के बाद भी 3 से 4 घंटे में खत्म करते हैं। कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप भी फेस कर रहे होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टर दीपक मारवा सर का कंसेप्चुअल लेक्चर देख रहा था प्रेपरेटर से, और मैंने 2 घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटे में खत्म करा। मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुना। सबसे पहला पॉइंट यार, जब भी आप लेक्चर देखना शुरू करते हो तो कभी भी स्टार्ट 2x स्पीड या फिर 1.5x स्पीड पे मत करना। एक बार जब आपका टीचर के साथ लगाव हो जाए फिर आप धीरे धीरे लेक्चर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये कि 15 मिनट आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही उसको पॉज करो, आप अपना नोट्स बनाओ या फिर समराइज करना तो वो समराइज करो। और तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप लेक्चर के ड्यूरेशन पे फोकस मत करो। जैसे कि डॉक्टर दीपक मारवा सर जो पढ़ाते हैं फ्लो चार्ट के मदद से पढ़ाते हैं, टेबल के मदद से पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम एक तरीके से एंगेज हो जाते हैं लेक्चर में। तो आप हमेशा कंटेंट पे फोकस करो, इस पे फोकस मत करो कितना टाइम और बचा हुआ, लेक्चर कब खत्म होगा। तो ये चारों ट्रिक्स को अपनाना, शायद आप भी 2 घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटे में खत्म कर लो।